गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया। आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और हमारे इस सब्जेक्ट का कोड है 2004। इस सब्जेक्ट में जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं वो यूनिट थर्ड है। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इस यूनिट में जिस टॉपिक की हम आज पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा विद्युत, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये देखेंगे कि विद्युत एक्चुअल में होती क्या है। तो आप सभी ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमारी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारी लाइफ का एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो आज हम ये देखेंगे कि विद्युत होती क्या है। तो जो हमारी विद्युत है ये हमारी भौतिक विज्ञान का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम विद्युत के आवेशों का अध्ययन करते हैं और वो हमारी विद्युत कहलाती हैं। हम ये भी बोल सकते हैं विद्युत होती है एक प्रकार का बल होता है जो हमें ना तो दिखाई देता है और ना ही हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, परंतु विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हम उसको महसूस कर पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। हमारे विद्युत के जो पदार्थ होते हैं उनका जो आधारभूत जो कण है वो परमाणु होता है। इस प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के असंतुलन के कारण किसी भी प्रकार की लगाई गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का मतलब यही है कि हमारे विद्युत ऊर्जा के अंदर हम जिस पदार्थ की बात करेंगे उस पदार्थ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है परमाणु। परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को हम असंतुलन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और उनके द्वारा लगाई गई ऊर्जा को है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इसका उपयोग हम हॉस्पिटल में, मोटर में, जनरेटर में, छोटे बड़े हमारे जो उद्योग होते हैं उसमें, या फिर हम हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं उसमें हम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ होता है हमारा, ये हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि कोई भी पदार्थ है वो हमारे छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है, और जो अणु होते हैं वो हमारे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ हमारे अणु से मिलके बने होते हैं, और अणु होते हैं वो परमाणु से मिलके बना होता है। एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भाग होता है, और इनके ऊपर अलग अलग प्रकार का आवेश भी होता है। तो हम ये कहेंगे प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होगा, और जो हमारा न्यूट्रॉन होगा उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं वह उदासीन होता है। जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसे हम उदासीन कहते हैं। अब क्या होता है परमाणु के केंद्र में, परमाणु का जो हमारा केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हैं वो उस ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सेंटर में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके चारों ओर
चक्कर लगाएंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो या तो प्रोटॉन के साथ में एक फोर्स के साथ बंधे हुए होंगे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो थोड़े से लूज होंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। इनको अलग किए गए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर में विद्युत धारा बहती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एक चालक में इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में बहाव विद्युत कहलाता है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हम दो टाइप से देख पाते हैं, यानी कि दो टाइप से हम अनुभव कर पाते हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की वो एनर्जी है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसलिए इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होती है, जब किन्हीं हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हमारे बालों में कंघी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे बाल हैं कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो कौन सी एनर्जी बनी वहाँ पे, स्टैटिक एनर्जी बनी। जो बिजली चमकती है बादलों में वो भी एक प्रकार की स्टैटिक एनर्जी है। ये हम देखते हैं स्टैटिक एनर्जी को, लेकिन इसका उपयोग हम किसी काम में नहीं करते। जो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम करते हैं वो होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं, इसे हम अपने हिसाब से अप डाउन भी कर सकते हैं, और इसका जनरेशन पावर प्लांट में होता है। कौन कहाँ से उत्पन्न करते हैं हम, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, सोलर पावर स्टेशन एंड विंड पावर स्टेशन। यानी कि ये जो पावर स्टेशन हैं ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेशन हैं, इनकी सहायता से हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारी इस चैप्टर की दो पार्ट, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसमें हमने स्टडी किया है कि विद्युत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और विद्युत का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो विद्युत का सिद्धांत में आपने आपको ये बताना होगा कि ये दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। और इसके बारे में बताने जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो इसके नेक्स्ट पार्ट रहेंगे इसी चैप्टर के, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।